बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के गेट के बाहर ग्रामीणों ने निजी कंपनी द्वारा एम्स भूमि पर किए कटान के बारे में धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि एम्स के निर्माण में निजी कंपनी द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है उसके तहत कंपनी की ओर से भूमि कटान किया गया, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होते ही अब ये कटान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन, सरकार और एम्स प्रबंधन को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को बरसात में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन, एम्स प्रबंधन को कई बार अवगत भी करवाया है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को अनदेखा ही किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और कंपनी और प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आगामी भविष्य में उग्र आंदोलन का रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार, एम्स प्रबंधन व प्रशासन की होगी। कोठीपुरा, नौवा, राजपुरा जो स्थायी निवासी है उनके साथ अन्याय है। अब हमारे नेता कितने गए वोट मांगने के लिए आ जाते हो, वोट दे दो, वोट दे दो, भगवान के नाम पे वोट दे दो। अब ये कहाँ जावे, अब ये जनता का गुहार लगावे। 7 बजे से बैठे हैं और 11 बजने वाले हैं, 3-4 घंटे हो गए धूप में बैठे हमारी माताएं और हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग। अब कहाँ गए ये सारे, अब कहाँ गए ये समाज के ठेकेदार, चले गए यहाँ के नेता। अब जनता को इतनी दिक्कत हो रही है, उन कितने चले गए नेता, इधर के बिलासपुर के नेता किधर चले गए जड़ लीडर बनते हैं। उन नड्डा जी कितने गए, अनुराग जी कितने गए, हमारे रामलाल ठाकुर जी कितने गए, यह हैं आए रामलाल ठाकुर जी, रामलाल ठाकुर जी आए, हाँ रणधीर जी आए, हाँ लेकिन रणधीर जी कितने गए, उन कितने गए। वोट मांगने तो आ जाते हो, वोट देने के लिए तुसी बोलते हो, कितना वोट पाई है तुम लोगों को, इसलिए कि हमारी बिलासपुर की, कोठीपुरे की, नोवा की, राजपुरे की जनता परेशान होगी। इसलिए आज जो है यहाँ पे हमारी अर्ध नारेश्वर समाज की, लेकिन जब से हमारे यहाँ एम्स का काम शुरू हुआ, एनसीसी कंपनी जो जिसने निर्माण का ठेका यहाँ ले रखा है, उन्होंने जब काम शुरू हुआ तो हमारे लोगों की छोटी मोटी समस्याएं यहाँ शुरू हो गई। कई रास्ते बंद हो गए, पानी की पाइपें टूट गई, बरसाती पानी आने से जो नाले वो भर गए। हमने कई बार प्रशासन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से कंपनी को, प्रशासन को अवगत करवाया कि हमारे लोगों की ये समस्या है। कंपनी वाले सिर्फ हाँ करते हैं, करते कुछ नहीं। डीसी साहब के पास जाएंगे, वहाँ बोलेंगे जी हाँ कर देंगे। हमारे अगर पंचायत वाले आते हैं तो बोलते हैं जी कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। आज हमें मजबूरन यहाँ पर इनका गेट इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि हमारे लोगों की जमीनें, मकान, ग्रीन हाउस सब बह गए। जितने भी यहाँ के बरसाती नाले थे वो मिट्टी से भर गए, उनका लेवल ऊपर आ गया। जैसे ही पानी जाता है, पानी सीधा लोगों के खेतों में और घरों में जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। कंपनी वालों के पास एक बार नहीं, हजार बार आ गए, हाँ जी कर देंगे, हम मशीन भेज देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन आज तक किया कख नहीं।